अभी बज रहे सुबह के 9 और एक क्लास मेरा ख़त्म हो गया अभी, और अगला क्लास आने में थोड़ा टाइम है, 10 मिनट। तो मैं सोचा रहा हूँ प्लान लेता हूँ। तो अभी भैया गया है गाड़ी से धनबाद कुछ काम के लिए, तो 8 बजे ही चल गया था वो। सोया था तो उठ के ही चल गया सीधा। मैं घर में अकेले हूँ अभी, क्लास कर रहा था मैं अभी। तो बाकी एक क्लास करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ बरवड्डा में बाज़ार समिति में मार्केट में आया हूँ, और यहाँ पे मेरे बड़े पापा का दुकान है ताऊ जी। मैं बड़े पापा बोलता हूँ, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, कमेंट करके बताना। तो यहीं पे उनका दुकान है। तो आज बारिश हो रहा था तो उन्होंने बोला कि चलो गाड़ी से ही चलते हैं, तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज आपको दिखाते हैं यहाँ का, आज पूरा व्लॉग यहीं का होगा। तो दोस्तों थोड़ा देर हो चुका है मैं यहाँ पे आए हुए, और ये देखिए ये ट्रक से अभी सारा डाब है कोकोनट, ये अनलोडिंग हो रहा है। तो अभी ये सारा एकदम फ्रेश है, एकदम नया, आप देख सकते हैं। तो अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा बाजार समिति का एक राउंड लगा के दिखाते हैं कि यहाँ कैसा है सब। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा वॉइस ओवर वीडियो होगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे आप, इतना सारा केला है। तो यहाँ पे केला का भी मंडी है और बहुत सारा फ्रूट्स यहाँ पे मिलता है, और बहुत सारे जगहों पे यहाँ पर यहीं पर से जाता है, जैसे कि झरिया, धनबाद, मेनली, ये सब जगह में यहीं से आता ही है, क्योंकि यही एक बड़ा और मेन मार्केट होता है पूरा एरिया का। यहाँ से सामान बहुत सारे जगहों में जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका धनबाद, हो गया फिर झरिया, सिंदरी, डिगवाडी, ये सब सब जगह यहीं से जाता है। और माल भी इसके यहाँ पे आता है, सब दूर दूर से बहुत माल आता है। देखिए ट्रक को क्या हुआ, देखिए अभी यहाँ पे भी साइड थोड़ा खाली है, आगे में जहाँ पे दुकान था बड़े पापा का, वहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, क्योंकि वो मेन गेट के पास ही है, मतलब एंट्रेंस में ही है। तो ये बाजार समिति का फल वाला मंडी हुआ, और इसके आगे बाजार समिति का राशन वाला मंडी भी है। तो वहाँ पे सारा राशन का दुकान वगैरह सब है। अभी देखिए, और जिस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे खाली होते जा रहा है। और आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ पे सब स्टोरेज के लिए है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में सब सब शॉप्स है, और सबका शॉप, सब सारे दुकान का एक एक डेडिकेटेड नंबर होता है। तो हमारे दुकान का नंबर तो 58 है, और थर्ड नंबर वाला दुकान भी हम लोग का है। हम लोग का दो दुकान यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एंडिंग आ गया, अभी इधर से यू टर्न हम लोग को लेना पड़ेगा। यू टर्न के बाद फिर उस साइड भी एक और मार्केट है, उधर भी मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। पहले चलिए हम आपको अपना दूसरा दुकान दिखा देते हैं। यहाँ पे अभी ये रेंट पे लगा हुआ है हम लोग का, क्योंकि दो दुकान को मैनेज कैसे कर पाएंगे। और ये ट्रक आया हुआ है अभी यहाँ पे, ट्रक में माल उतरेगा, अभी लोडिंग अनलोडिंग होगा। तो ये देखिए अभी हम दूसरे साइड आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी बारिश हुआ है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा स्लश हो गया है ज़मीन में, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा फूल, मतलब कि फल फूल का सब कार्टून वार्टून वगैरह सब फेंका हुआ रहता है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा स्लशी एरिया है ये। देख सकते हैं इस साइड तो और ज़्यादा खाली है, और यहाँ पे एप्पल्स वगैरह मिलते हैं। बाकी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे भी, जैसे इस साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टोरेज देखने मिल जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसे गाड़ी वाड़ी पार्क है सब यहाँ पे। इधर में उतना कुछ है नहीं दिखाने लायक, लेकिन उस साइड में बहुत सारा ट्रक वगैरह सब था, और यहाँ पे अभी खाली भी है इस साइड में, और यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई भी है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई उतना दुकान नहीं है, और बारिश के कारण भी आज थोड़ा सा पॉपुलेशन यहाँ पे कम था, नहीं तो कल ईद भी है तो उसके कारण भी पॉपुलेशन कम था, इसलिए यहाँ पे आदमी आपको कम दिख रहा है। ऐसे अगर नॉर्मल डेज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत बहुत सारा आदमी आता है, और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ भाड़ है। बिना लॉकडाउन के टाइम में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, अभी देख सकते हैं आप। यहाँ आगे में जो आपको इतना सारा पेड़ पौधा जंगल दिख रहा है, वो जंगल ही हो गया एक तरह से, और आगे में सारा कचरा रखा हुआ है, सारा मंडी का कचरा। मुझे लगता है कि यहाँ पे रात में साफ़ होता होगा तो फिर वो सारा वहाँ पे रखाता होगा, पता नहीं। वो सब तो मेंटेनेंस गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एरिया है,
यहाँ पे सारा शॉप्स आपको लीज पे मिलता है। देखिए गाड़ी आ रहा है उधर से, सब अभी लोडिंग होगा सब गाड़ी में, सब में फिर सब अपने अपने दुकान में लेके जाएंगे। तो अभी चलिए हम वापस उस साइड आ चुके हैं, हम अपने दुकान में जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत एक नया वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो उसके लिए तो मुझे ये वीडियो को एंड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।